हाँ तो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आपके अपने ब्यूटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, आज हम बात करने वाले इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें 100% में 90% बच्चे मार खा लेते हैं। मार कहाँ खा लेते हैं, जैसे एक टॉपिक आता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स का। और ये क्या होता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो इसको समझने के लिए आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें क्या होता था कि कोई वर्ड होता था हिंदी का, उसमें अंत में या जोड़कर उसका अर्थ चेंज कर देते, जैसे बूढ़ा बूढ़ा, इसमें पा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बूढ़ापा। बूढ़ापा में पा का है तो प्रत्यय है। वैसे उपसर्ग में क्या होता है, जैसे अवश्य आवश्यक, यदि यहीं पर अति डाल जाएगा तो क्या होगा? अति आवश्यक। तो अति का होगा इसमें उपसर्ग होगा, यानी जो उपसर्ग होता था वह पहले लगता था, जो प्रत्यय होता था वह बाद में लगता था। सेम इसमें भी उसी प्रकार का होगा। देखिए, हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे होगा, इसमें कौन सा आगे लगेगा कौन सा पीछे लगेगा। तो देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे इसी में गड़बड़ जाते हैं कि सफिक्स आगे लगता है या प्रीफिक्स आगे लगता है। आज के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सफिक्स आगे लगता है कि प्रीफिक्स आगे लगता है। अब कैसे जी, तो देखिए कैसे एक बार ट्रिक लिया। अब ट्रिक कौन सा है, तो ट्रिक यह है, इसका पहला लेटर क्या है जी? एस है। इसका पहला लेटर क्या है जी? पी है। अच्छा, ए बी सी डी में जब आप लिखते हैं इसे तो क्या आता है? एस पी, यानी एस के बाद क्या आता है जी? पी आता है। एस के बाद क्या आता है? पी आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी हल पहले आता है तो ये बाद में जुड़ेगा। कब जुड़ेगा? बाद में। कब जुड़ेगा? बाद में। काम कैसे करेगा? उल्टा काम करेगा। बच्चा ध्यान दीजिएगा, एस पहले आता है लेकिन काम कैसे करेगा? तो बाद में, यानी किसी वर्ड के बाद में लगेगा। प्रीफिक्स एस के बाद आता है ना, प्रीफिक्स एस के बाद आता है पी, तो ये आता है बाद में लेकिन किसी वर्ड के पहले लगेगा। ये वर्ड के क्या होगा? ठीक है, पहले लगेगा। और बोलिएगा कि सर एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम क्या बोले हैं कि एस जो होगा यानी सफिक्स जो होगा वो क्या लगेगा? तो वर्ड के बाद में लगेगा, वर्ड के बाद में लगेगा। जैसे जैसे मैं आप देखिए हेल्प, हेल्प ये क्या है? हेल्प। यदि इसमें लेस जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हेल्प लेस हो जाएगा। हम ये बता रहे हैं बस सफिक्स और प्रीफिक्स आप पहचानिएगा कैसे कि सफिक्स है कि प्रीफिक्स है। तो सफिक्स मतलब जो बाद में लगे, सफिक्स का है कि ईपी के पहले आता है, आता है पहले लेकिन किसी वर्ड के बाद ही लगता है। उल्टा याद करना है आपको, एस के बाद पी आता है लेकिन एस में एस से क्या होता है? सफिक्स होता है, लेकिन एस पी के पहले है लेकिन किसी वर्ड के बाद लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। यानी हेल्पलेस में सफिक्स क्या है? तो लेस है। हेल्पलेस में सफिक्स लेस है। अब एक उदाहरण लेते हैं प्रीफिक्स का, तो वो कहाँ लगेगा जी? तो ठीक पहले, यानी किसी वर्ड के ठीक पहले। जैसे प्रॉपर, पी आर ओ पी ई आर प्रॉपर, यहाँ पर प्रॉपर में यदि हम आई एन जोड़ देंगे, आई एन प्लस प्रॉपर पी आर ओ पी ई आर, तो क्या हो जाएगा? इन प्रॉपर, इन प्रॉपर, इन प्रॉपर। देखिए तो प्रॉपर था लेकिन हम इसमें क्या जोड़ा? आई एन जोड़ा, तो मैंने जोड़ा आई एन, तो क्या हो गया? इन प्रॉपर हो गया। तो ऐसे ही जैसे हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी, इसमें अन जोड़ देंगे, इवन अन जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए अन जोड़ देंगे, यानी अनहैप्पी। क्या हो जाएगा जी दोनों में पर? अनहैप्पी। तो इसमें देखिए तो अन है ना, तो यहाँ पर याद। और देखिए जैसे ही पूछा कि अनहैप्पी, अनहैप्पी में कौन सा, इसमें सफिक्स है या प्रीफिक्स है, तो आप तुरंत ध्यान लगेगा अन और हैप्पी। तो हैप्पी तो एगो वर्ड है लेकिन अन मतलब क्या होता है जी? तो अन मतलब कोई सुटेबल अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए पहले लगा है वर्ड के ठीक पहले लगा है, आई एस पी होता है, तो पी वाला ना बाद वाला है, उल्टा काम करता है, तो पी बाद वाला है लेकिन जब किसी वर्ड के पहले लगता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि वो प्रीफिक्स होगा। इसलिए अनहैप्पी का हो गया एक प्रीफिक्स है, यानी अनहैप्पी में अन जो है वह क्या है? प्रीफिक्स है। तो अब आप, मैं मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सफिक्स और प्रीफिक्स क्लियर हो गया होगा। अब नहीं तो एक और उदाहरण लगा देंगे, याद आपको बस ये रखना है, ये लगा ट्रिक कि एस पी, एस पी यानी सफिक्स प्रीफिक्स, एस पहले आता है पी से लेकिन किसी वर्ड के बाद लगता है, और प्रीफिक्स एस के बाद आता है लेकिन यह किसी वर्ड के पहले लगता है। इसका सफिक्स और प्रीफिक्स जब लगता है तो इसका कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन यह जिस वर्ड वर्ड में यानी शब्द में लग जाता है उसका अर्थ ही चेंज कर देता है। अब देखिए आगे देखते हैं,
जैसे एक और उदाहरण लेंगे हम लोग, जैसे काइंड, काइंड काइंड होता है ना, इसमें जब लेस जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, काइंडलेस, काइंडलेस हो जाएगा, काइंडलेस। देखिए तो लेस ये क्या है, काइंड एक दयालु है, और लेस मतलब कुछ उसका अर्थ निकलता नहीं है, तो काइंडलेस बाद में जुड़ा है ना जी, तो बाद में जुड़ा है यानी क्या होगा, सफिक्स होगा। और प्रीफिक्स का देख लेते हैं, प्रीफिक्स का जैसे मान लीजिए कि हैप्पी, प्रीफिक्स में आपको एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, प्रीफिक्स का आपका जैसे हो जाएगा, हाँ ऑनेस्ट, क्या होता है ऑनेस्ट, यदि ऑनेस्ट में हम लोग ऑनेस्ट में डिस जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, डिस ऑनेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस ऑनेस्ट, डिस ऑनेस्ट, इसमें क्या जुड़ा है, डिस जुड़ा है, ये पहले जुड़ा है ना, तो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स पहले, प्री पी से प, तो पहले पी से प, पहले पी से प, पहले पी से प, पहले पी से प, पहले। अब यदि पहले लगेगा तो बाद में लगेगा, तो अब आपको हम मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि सफिक्स कब लगता है, प्रीफिक्स कब लगता है। तो मैंने मेरी जो मेन टॉपिक थी वो यही थी कि सफिक्स कब लगता है, प्रीफिक्स कब लगता है। एक स्पेशल वीडियो इसके आएगा कि सफिक्स को कैसे चूज करें, प्रीफिक्स को कैसे चूज करें, कब कहाँ कैसे होता है। मैंने बस इसको वीडियो बनाने का मकसद था कि जो भी बच्चे हैं ये नहीं समझ पाते कि सफिक्स कहाँ लगता है, पहले लगता है, बाद में लगता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, तो ऐसे ही उपसर्ग प्रत्यय है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी अगला वीडियो इससे बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाकर लाऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं।